अस्सलाम वालेकुम यार, बहुत टाइम के बाद में उनसे है ना बोतलें तोड़ी 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 तोड़ी, मतलब टेंट शुरू हो गया मेरा वो ना। तो मैंने कहा यार व्लॉग भी होने चाहिए, एक चीज़ आ आकर बेजार होता है बंदा। तो यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, व्लॉग बनाता रहूँगा। आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना मेरे साथ तो मैं बनाऊँगा। अच्छा जी, एक कज़न की हमारे की है शादी, तो इसलिए मैं व्लॉग बनाने लगा हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो मैं व्लॉग बनाने इसीलिए लगा हूँ। मैंने कहा यार थोड़ा सा शादी है तो एंजॉय हो जाएगा, तो इसलिए व्लॉग बनाने लगा हूँ। तो बने रहिए, इंशाल्लाह आपको पूरी शादी एंजॉय कराएंगे ना। ठीक है, ओके। अभी सीन ये है कि कपड़े वपड़े हमने पहन रखे हैं सादे, ठीक है। तो शादी में जाना है 8 बजे, तो अभी जो ना नहाए धोएं और वहाँ पर जाके मिलते हैं हाल में। यार मैं इसका इंट्रो कराता हूँ, ये मेरा बहुत ही प्यारा कज़न कह रहा हूँ यार, माफ़ कर भूल गया, भांजा है मेरा ना, मामा हूँ मैं इसका। तो इसका मेरे से पहले का व्लॉग बना रहा ही है, मेरे से पहले की ही वीडियो इसकी आती है। तो पर सब्सक्राइबर इसके इतने नहीं है, व्यू नहीं आते, वीडियो में हरकत होती है इसकी कोई ना कोई, पर बना कर सीखेगा। तो काइंडली इसका चैनल भी जाके सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाएं और उसको सब्सक्राइब कर दें। ये हरकत देखे ना, हमारा घर कैसे बिखरा हुआ ना, ये जगह जगह पे बैग हैं, कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो भाई काम खिसड़ा मिसड़ा पड़ा है। हिंदी में कहते हैं घोट राजा, तो मैं जा रहा हूँ घोट राजा के घर पे, तो देखते हैं क्या कर रहा है। उसे पूछने जा रहा हूँ कि कोई काम कर रहे तो भैया हमें बता दो। तो ये सरकार है, इनकी शादी है, ये घोट राजा है, पर अभी भी काम कार में लगे हुए बेचारे। अभी बज रहे हैं 7 बजे कुछ मिनट ना, 8 बजे है इसका फंक्शन, पर इसकी हालत जो है ना लग नहीं रही कि फंक्शन है इसका। दरअसल बेचारा ये है अकेला, तो इसलिए जो है ना सारा काम कर अकेला इसको करवाना पड़ता है, तो ये हर चीज़ इसलिए अकेला करवा रहा है, और कोई ऐसा मसला नहीं है खास। यार ये कुछ ना, अभी मैंने ना आतिशबाजी का सामान मंगवाया है, तो ये पहुंच गया है रात के फंक्शन के लिए। तो आदि भाई भी अभी चेक कर रहे हैं क्या है, अच्छी तरह ये अखबार में ना बंद होकर आया है, अच्छी तरह बहुत, ये बहुत कुछ है, मतलब कि दश 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 होगी बस रात को। तो जी अभी हम जा रहे हैं गाइस हार वगैरह लेने ना, जो सुबह बारात वगैरह में डालेंगे, तो वो लेने जा रहे हैं। क्योंकि यार मसला है ये है कि कल जुम्मा है ना, फ्राइडे, तो मार्केट होती है बंद, तो इसलिए हम अभी ही लेने जा रहे हैं। यार ये हार होते हैं, ये हमारे सिंध में ऐसे हार चलते हैं जो दूल्हे वगैरह को ना पहनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम लेने आए, अब देखते हैं कि हमें कौन सा डिज़ाइन मिलता है। अच्छा हादी जब भी हैदराबाद से आता है ना, तो मेरे साथ साथ ही होता है, हादी अपना व्लॉग बना नहीं रहा, मेरे व्लॉग में शुमार है। तो हमने ना ये पसंद किए हैं, ये दो हैं, ये अभी पैसे गिन रहा है उसके अंदर, और एक पसंद किया है ये वाला, ठीक है। ये दोनों हमने 4,000 रुपये के हार लिए हैं अभी, और देखते हैं कि कितने होते हैं। तो जी मैं हो चुका हूँ रेडी, तो बकाया अब वहाँ पर जाके जो होता है वो सब कुछ आपको दिखाते हैं। ऐसा लुक है थोड़ा सा, पर अब कहने का मकसद ये है कि शादी पे जा रहे हैं, पर जिसकी शादी पे जा रहे हैं ना वो मेरा कज़न, मेरा मामू का बेटा है, तो ना उसकी वालदा है और ना ही उसकी वालिद हैं। उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो वो एक इकलौता था, तो सारा फंक्शन हम सब रिश्तेदार मिलकर और उसका हम अकेला कर रहे हैं, तो उसका कुछ भी नहीं है फरहाल, ना बहन ना भाई, दुनिया में एक अकेला इंसान है। और कहते हैं कि हम लोग भाई बने हुए हैं, उसके हर चीज़ में साथ भी है, और कहने का मकसद ये है, आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं और ऐसा भी होता है, उनकी भी शादियां होती हैं, ठीक है जी। और अल्लाह पाक उसे खुश रखे, हमारी दुआएं। बताने का मकसद ये था
कि ऐसे बंदों से अल्लाह बना के रखे, अल्लाह पाक हमायत से वो काम ले जो उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद है। तो अल्लाह पाक ऐसे दिन तो ना ही दिखाए किसी को, पर अगर उन्हीं को कौन टाल सकता है, उस बंदे पे भी जो बीत रही है वो तो उसी को ही पता होगा, उस चीज़ का अंदाज़ा सिर्फ उसी को ही है। हम उस चीज़ का दर्द जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना ही हम फील कर सकते हैं कि जो वो फील करता है, हम नहीं फील कर सकते वो। ओ आगे चले ना आज है। तो जी इवेंट से आ गए वापस, तो अब कल है बारात, तो कल का सीन भी आपको दिखाएंगे जहाँ तक हो सका।